पाकिस्तान में मोबाइल सिम कंपनी जैज ने भी अब 5G के कामयाब तजुर्बा करने का दावा कर दिया। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान के बड़े मोबाइल नेटवर्क में से एक जैज ने भी पाकिस्तान में 5G का कामयाब तजुर्बा करने का दावा किया है। मोबिलिंक से कबल चाइना मोबाइल पाकिस्तान CMP यानी ज़ोंग ने भी 5G का कामयाब तजुर्बा करने का दावा किया था। ज़ोंग ने अगस्त 2019 में 5G का कामयाब तजुर्बा करने का दावा किया था और बाद अज़ां कंपनी ने 5G के इश्तहारात भी जारी किए थे। ज़ोंग की जानिब से 5G सर्विस के इश्तहारात जारी किए जाने के बाद पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने मोबाइल नेटवर्क कंपनी को अपने 5G इश्तहारात वापस लेने और इन्हें बंद करने का हुक्म दिया था। PTA के मुताबिक ज़ोंग को सिर्फ 5G का तजुर्बा करने की इजाज़त दी गई थी, इसे ये सर्विस आम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ज़ोंग के कामयाब तजुर्बे के 6 माह बाद अब मोबिलिंक ने भी 5G के कामयाब तजुर्बे करने का दावा किया है। मोबिलिंक ने अपने ट्विटर पर सार्फीन को बताया कि कंपनी ने 4 जनवरी 2020 को 5G कामयाब तजुर्बा किया है। कंपनी के मुताबिक मोबिलिंक ने चीनी कंपनी हवावे के माहरीन के साथ मिलकर 5G नेटवर्क का कामयाब तजुर्बा किया है। कंपनी की जानिब से इस बात की कोई वजाहत नहीं की गई थी कि तजुर्बे के बाद 5G की स्पीड क्या है। 5G के कामयाब तजुर्बे के अगले ही रोज़ मोबिलिंक ने मजकूरा सर्विस का आजमाइशी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। मोबिलिंक की जानिब से 5G के कामयाब तजुर्बे के बाद अब मजकूरा सर्विस पाकिस्तान की 2 बड़ी मोबाइल नेटवर्क्स कंपनियों के पास आ चुकी है, जबकि ख्याल ये किया जा रहा है कि जल्द ही यूफोन और टेलीनॉर भी मजकूरा सर्विस का तजुर्बा करेंगे।